Hey guys, this is my YouTube channel. Welcome back. Before we start, make sure you click on the subscribe button. Let's start. दोस्तों आज जो है जो बिल्कुल फ्रेश एंड जो अपडेट जो निकल कर आई है वो CHSE ओडिशा बोर्ड का जो ट्वेल्थ साइंस वालों का जो स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। अब यहाँ पर काफ़ी जो ज़्यादा जो स्टूडेंट्स होंगे वो मेरे अकॉर्डिंग तो उनके मार्क्स में है जो सर्टिफिकेशन उनको नहीं होगा बिल्कुल, क्योंकि इस बार जो है COVID-19 की वजह से और जो कॉपियाँ जो चेक हुई है और जिस मैनर से चेक हुई है तो हो सकता है कहीं ना कहीं भी मिस्टेक हो गई हो। तो दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से को बताने वाला हूं कि रिवोल्यूशन और रीचेकिंग और जो रिटोटलिंग या फिर आप जेरोक्स कॉपीज जो है उड़ीसा बोर्ड ट्वेल्थ साइंस की आप है जो किस प्रकार से वहां पर है जो मंगवा सकते हो और किस प्रकार से रिवोल्यूशन और रीचेकिंग के माध्यम से है जो आप अपने जो त्रुटियां जो हुई है एरर्स जो आया है मार्क्स में उनको आप है जो कैसे सुधार सकते हो और मार्क्स कैसे इंक्रीज कर सकते हो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों यहां पर मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताऊंगा रिवोल्यूशन रीचेकिंग रिटोटलिंग के बारे में, जेरोक्स कॉपी के बारे में, इसकी लास्ट डेट क्या क्या है, इसकी जो फॉर्म इसका जो फॉर्म है कहाँ से फिल करना पड़ेगा, कैसे फिल करना पड़ेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, क्या क्या इसकी फ़ीस हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर आपको अप्लाई करने होंगे और फॉर्म भरते वक्त जहाँ पे भी आप फॉर्म भरोगे उनको और आपको है जो किन किन बातों का है जो महत्वपूर्ण रूप से है जो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जस्टिन, आप देख रहे हो जस्टिन इंग्लिश। यार चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लेना क्योंकि मैं जो चीज़ें आपको बताने वाला हूँ वो आपका जो चैनल सब्सक्राइब करोगे उसके बाद ही सारी सब कुछ पॉसिबल होने वाली है। बिकॉज हमारी जो 32-35 मेंबर्स की जो टीम है वो आपके यहाँ पर कमेंट्स देखेगी। अभी आप वीडियो पूरा देखते जाइएगा, सारा सब कुछ कम्प्लीट समझ में आएगा। तो आपके जो जिन जिन स्टूडेंट्स के जो मार्क्स में जिनको लगता है कि मेरा ये ठीक नहीं है, मार्क्स जो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आया है, तो वो स्टूडेंट्स को मैं बता दूं यहाँ पर है जो आपको रिवोल्यूशन रीचेकिंग और रिटोटलिंग फॉर्म भरने से पहले है जो आपको यहाँ पर हमें है जो आपका जो मार्क्स जो हैं सब्जेक्ट वाइज और जिस सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है वो एक बार है जो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, उसके बाद कमेंट सेक्शन में लिख देना है अपने मार्क्स के कंप्लीट डिटेल और जिस सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है वो, उसके बाद जो आपके जो मार्क्स के एल्गोरिथम जो होते हैं हमारी टीम है वो उसको समझेगी, मैं खुद उनको समझूंगा और हमारी जो सारी की सारी जो लगभग टीम है वो रिवोल्यूशन और रीचेकिंग डिपार्टमेंट में ओडिशा से ही संबंधित हैं। तो हम आपको हैं जो बेटर इंफॉर्मेशन देंगे, बेटर एडवाइस देंगे, बेटर सजेशन देंगे कि किस सब्जेक्ट में आपको हैं जो किस प्रकार से हैं रिवोल्यूशन का फॉर्म भरना चाहिए या फिर रीचेकिंग का फॉर्म भरना चाहिए या फिर रिटोटलिंग का फॉर्म भरना चाहिए या फिर आपको मंगवा लेनी चाहिए जेरोक्स कॉपी। तो मैं बताता हूँ अब आपको यहाँ पर रिवोल्यूशन में क्या होता है, रीचेकिंग में क्या होता है और रिटोटलिंग में क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं रीचेकिंग में। रीचेकिंग में जो आपकी कॉपी जो होती है उसका जो मैं एक प्रकार से बताऊं, जैसे कि आपकी कॉपी है जो दोबारा चेक की जाएगी कि है जो कहीं कोई क्वेश्चन आपका चेक करने से छूट तो नहीं गया वो, ठीक है, रीचेकिंग में तो ये होता है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें रिटोटलिंग की, तो जैसे जो आपकी कॉपी जो जैसे कि जैसे चेक की गई है उसमें जितने जितने मार्क्स दे रखे हैं, ठीक है, वो मार्क्स एक बार दोबारा काउंट होंगे, ये होता है रिटोटलिंग। और उसके बाद जो रिवोल्यूशन होता है, रिवोल्यूशन हर एक क्वेश्चन का होता है, रिवोल्यूशन के लिए आपको पर क्वेश्चन 100 रुपी या फिर 75 रुपीज़ आपको पे करने होते हैं। और इसके बाद जो होती है बात, जिस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि इस क्वेश्चन में मेरे हो सकता है मार्क्स कम आया हो और आपका वो जैसे कि जो डिस्क्रिप्टिव वाइज जो क्वेश्चंस होते हैं, जो बड़े क्वेश्चंस जो होते हैं जो 5-7 मार्क्स के होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं रिवोल्यूशन का फॉर्म भरते हैं कि मेरा ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली राइट था और स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस भी होता है। और उसके बाद जो है वो है जो पर क्वेश्चंस के लिए अप्लाई करते हैं। और उसके बाद जो बात आती है जेरोक्स कॉपीज़ की, जेरोक्स कॉपीज़ आप हैं जो घर पे मंगवा सकते हो, उसको आप देख सकते हो कि आपकी कॉपी है जो किस प्रकार से चेक की गई है, कहाँ कहाँ पर है जो आपके मार्क्स है जो काटे गए हैं। अब इसकी डेट की अगर मैं बात करूँ तो डेट जो है इसकी लगभग जैसे ही रिजल्ट आएगा उस दिन से ही इसके रिवोल्यूशन रीचेकिंग के जो फॉर्म है वो अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे और लगभग ये 10 दिन तक प्रक्रिया चलेगी। 10 दिन तक आप हैं जो इसके रिवोल्यूशन और चेकिंग के फॉर्म भर सकते हो।
और उसके बाद 10 के बाद जो है 11, 12, 13, 14, 15, मतलब 10 टू 15 डेज के विदिन, 10 से 15 दिन के बीच में जो भी डे रहेगा, 10 से पहले पहले तो आप बिल्कुल जो भी आपकी फीस लगती है वहाँ पर रेगुलेशन रीचेकिंग की लगभग 350 के आसपास शायद, या फिर पर सब्जेक्ट हो सकता है 500 रुपीज़, और जेरोक्स कॉपी की 700 रुपीज़ के समथिंग हो सकती है। अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, बट जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा आपको ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कमेंट सेक्शन में भी बता दी जाएगी। और उसके बाद जो है यहाँ पर है जो आपको लगभग लाइव भी मैं खुद आता हूँ हमारी टीम की तरफ से, तो यहाँ पर भी आपकी सारी सब कुछ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बता दी जाएगी। अब उसके बाद मैं बात करूँ कि जो फीस जो होती है वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब लगभग जो आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स जो होने चाहिए उसके लिए, फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, उन डॉक्यूमेंट्स की मैं आपको चर्चा करके बता देता हूँ एक बार, और वो भी बात मैं आपको बताऊँगा कि किन किन सावधानियाँ, जो जो सावधानियाँ आपको बरतनी है जो फॉर्म भरते वक्त, वो सावधानियाँ मैं आपको बता दूँगा अभी इस वीडियो के माध्यम से। अब यहाँ पर चलता हूँ मैं सबसे पहले कि डॉक्यूमेंट्स आपके पास जो होने चाहिए, आपके पास होने चाहिए एक तो बैंक की डायरी आपकी, उसके बाद आपका है जो या तो होना चाहिए आपका UID मतलब आधार कार्ड, या फिर होना चाहिए आपका पैन कार्ड जो कि आयकर कार्ड होता है, या फिर होता है आपका वोटर ID जो कि होता है आपका पहचान पत्र। इन तीन डॉक्यूमेंट्स में से आपके पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और उसके बाद जब आप फॉर्म भरोगे और आपके एडमिट कार्ड और इंटरनेट वाली जो मार्कशीट है वो, और उसके बाद जब आप रिवोल्यूशन रीचेकिंग के लिए फॉर्म भरोगे तो वहाँ पर आपको स्पेशली ध्यान रखना होगा कि आप है जो किस सब्जेक्ट में है जो रिवोल्यूशन और रीचेकिंग का फॉर्म भर रहे हो, उसके बाद वहाँ पर कोई गलती नहीं करे। और अगर आप जेरोक्स कॉपी मंगवा रहे हो तो आपका है जो एड्रेस बिल्कुल एग्जैक्टली होना चाहिए, रोल नंबर आपके बिल्कुल सही होने चाहिए, नहीं तो है जो अदर स्टूडेंट्स की कॉपी है जो आपके घर पे पहुँच जाएगी, तो ऐसे में काफ़ी बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। और इसके रिज़ल्ट की भी मैं बात करूँ तो रिज़ल्ट के लिए फ़िलहाल के लिए कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, बट जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा इसका रिज़ल्ट का, तो वो सारा सब कुछ है मैं आपको बता दूंगा। या फिर कोई स्टूडेंट्स के मार्कशीट में जो क्या होता है स्पेलिंग इनकरेक्ट आ जाती है, उसके लिए भी हमारे चैनल में पहले से वीडियो है, जाकर देख लीजिएगा। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही, और बाकी मैं बता दूं अगर कोई आपको कोई प्रॉब्लम है आपके मार्क्स सेंड कर देना हमें, हमारी टीम है, ऑफिशियल टीम है डिपार्टमेंट से संबंधित, हम आपको सजेस्ट करेंगे क्या है क्या नहीं है। लेकिन आपको कमेंट करने से पहले एक बार सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा लेना। सब्सक्राइब बटन दबाने के लिए इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जो सब्सक्राइब बटन दबा लेगा तो वो उसका कमेंट जो है जो हमें जल्द ही शो हो जाएगा। बाकी जिसने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है, सब्सक्राइब नहीं दबाया हुआ है, तो उसका कमेंट देरी से आएगा। और मैं आपको ये बता दूं इन द एंड कि अगर आपने सब्सक्राइब बटन दबा के हैं जो कमेंट सेक्शन में अगर आप जाते हो तो 7 मिनट के लिए आपका कमेंट है जो एक प्रकार से अंडर रिव्यू में रखा जाएगा। और उसके बाद जो है आपको मैं बता दूं कि एक प्रकार से जो होता है ना 15 मिनट के अंदर ही हमारी टीम है जो आपको है जो आपका आंसर देने की पूरी कोशिश करेगी। लगभग 15 मिनट के अंदर ही आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा दोस्तों। सो थैंक यू सो मच, चैनल में नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ऐसी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। थैंक यू सो मच।